पिछले कुछ समय से इंडियन एयरफोर्स की बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। 2001 से लेकर आज तक IF-91 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसमें से 32 एक्सरसाइजेज IAF द्वारा होस्ट की गई थी। जून में अलास्का में कंडक्ट हुई एक्सरसाइज रेड फ्लैग और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स एक मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है, जिसका नाम है तारंग शक्ति, जो कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। ये एक्सरसाइज इंडिया में कंडक्ट होने वाली आज तक की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज होगी और इसी वजह से इसको इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का लैंडमार्क इवेंट कहा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए 51 कंट्रीज़ को इन्विटेशंस भेजे थे, बट IAF को 10 कंट्रीज़ की कन्फर्मेशंस रिसीव हुई हैं जो अपने एसेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही 18 कंट्रीज़ इस इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज में एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करेंगी। एक्सरसाइज तारंग शक्ति की डिटेल्स को IAF वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और दो और सीनियर IAF ऑफिशियल्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया गया है। वाइस चीफ का कहना है कि इस एक्सरसाइज का मकसद इंडिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी से फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशंस को मजबूत बनाना है। इस एक्सरसाइज के लिए कई तरह के कॉम्प्लेक्स मिशंस को प्लान किया गया है, जिससे एयर ऑपरेशंस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होगी। एक्सरसाइज तारंग शक्ति दो फेसेस में कंडक्ट होगी। फेस 1 अगस्त 6 से 14 के बीच होगा और ये तमिलनाडु के सुलूर के ऑपरेशंस एरिया में कंडक्ट की जाएगी। फेस 1 में IAF के साथ फ्रांस, जर्मनी, UK और स्पेन की एयर फोर्सेस अपने एसेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। फेस 2 सितंबर 1 से सितंबर 14 के बीच होगा, जिसको राजस्थान में जोधपुर के ऑपरेशंस एरिया में कंडक्ट किया जाएगा और इस फेस में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश, UAE और USA एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स की कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और स्पेशल एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स भी नज़र आने वाले हैं। फॉरेन कंट्रीज से लाइक FA-18, C-130J, F-16, A-10, KC-135, यूरोफाइटर टाइफून और रफाइल्स जैसे एयरक्राफ्ट्स इसमें शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो फेस 1 में IAF के अराउंड 40 एयरक्राफ्ट्स होंगे, जैसे कि LCA तेजस, Sukhoi-30, Miraz-2000, रफाइल्स और MiG-29 फाइटर जेट्स। और फॉरेन कंट्रीज़ के 32 एयरक्राफ्ट्स फेस 1 में इंडियन स्काइज में रोर करते हुए दिखेंगे। इसमें LCA का Mark-1 वेरियंट होगा, क्योंकि Mark-1A की डिलीवरी, जैसे हमें पता है, IAF को अभी तक नहीं हो पाई है। फेस 2 की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज से 27 फाइटर जेट्स होंगे, उसके साथ 2 A-400 एयरक्राफ्ट, 2 AWACS अवेकस यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट्स और 3 C-130J सुपर हरकुलीस एयरक्राफ्ट्स भी ज्वाइन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 40 फाइटर एयरक्राफ्ट्स होंगे और इंडिया के C-130J सुपर हरकुलीस स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की मौजूदगी भी इसमें देखने को मिलेगी। IAF की तरफ से हेलीकॉप्टर्स भी अपनी एबिलिटीज़ को शो करेंगे, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark-4 रुद्र और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। सो इस एक्सरसाइज के फेस 2 में IAF के टोटल 75-80 एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज के फेस 1 को इंडियन नेवी भी अपने MiG-29 के फाइटर्स के साथ ज्वाइन करेगी। सुलूर और जोधपुर में इस इवेंट के दौरान एक डिफेंस इंडस्ट्रियल एक्सपोजिशन भी प्लान्ड है, जिसमें करीब 68 इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज और डिफेंस स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स की शोकेसिंग की जाएगी। वाइस चीफ को मीडिया की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि एक सवाल आया कि क्या रशिया को भी इनवाइट किया गया था, तो वाइस चीफ ने कहा कि रशिया इसमें था बट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के कारण उन्होंने एक्सरसाइज ज्वाइन करने की अपनी इनएबिलिटी को जाहिर किया है। एक सवाल था कि क्या इसराइल को भी इन्विटेशन भेजा गया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि उनके डिफेंस अटैचे के साथ कम्युनिकेशन हुई थी, बट उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है। पूछा गया कि USA के 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट की पार्टिसिपेशन भी इसमें देखने को मिलेगी, तो वाइस चीफ ने कहा कि F-35 का एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है।
10 पार्टिसिपेटिंग और 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज की एयरफोर्सेज के साथ एक और कंट्री भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकती है। सो रफली 30 फॉरेन एयरफोर्सेज एक्सरसाइज तारंग शक्ति में पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें IAF के एसेट्स के साथ करीब 150 एयरक्राफ्ट्स इंडियन स्काइज में ऑपरेट करते दिखेंगे।